हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन। सो फंक्शन का ये पहला वीडियो है। मैंने फंक्शन को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 28 में हम फंक्शन का बेसिक डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। देन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 29, उसमें कुछ और प्रोग्राम्स होंगे जो कि फंक्शंस पर डिपेंडेंट है। एंड लेक्चर नंबर 30 में मैं आपको बताऊंगा कि एरे स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को फंक्शंस के साथ कैसे यूज करते हैं। तो तीनों वीडियोस को देखने के बाद आपकी जो नॉलेज है फंक्शंस को लेकर वो प्रॉपरली आपके पास होगी। तो तीनों लेक्चर्स और तीनों वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। एंड पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में बताया था, तो उसके भी 3 वीडियो थे। आई होप कि वो आपने तीनों वीडियोस देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। एंड इन केस फाइल हैंडलिंग या फिर जो फंक्शन वाला वीडियो अभी आप देखेंगे, कोई भी आपको डाउट या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दीज आर माई डिटेल्स। सो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है, देन उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अ फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस विच आर इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप में हम फंक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड, विच आर ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, एंड सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि शायद प्री डिफाइंड फंक्शन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो मैं बोलूंगा यस। तो आपने प्रिंट एफ यूज किया, स्कैन एफ यूज किया, ठीक है, आपने एग्जिट फंक्शन यूज किया फाइल हैंडलिंग के अंदर, आपने एफ ओपन फंक्शन यूज किया, आपने एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, तो जितने भी फंक्शन हमने ऐसे यूज किए जहां पर हमें फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना है और उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करना है, उसका जो लॉजिक है वो हमें डिजाइन नहीं करना है, तो वो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो है प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जो कि आप आज तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। तो अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो ही हमें इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए पहले हमें देखना होगा नीड ऑफ फंक्शन, ये फंक्शंस की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। तो ये अपना है फंक्शन डेमो। तो अभी मैं फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी तब आपको लगेगा कि हाँ फंक्शन बनाने का बेनिफिट है, और आपको सीखने में भी मजा आएगा कि फंक्शन कैसे बनाया जाए। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फैक्टोरियल का, कि मुझे 2-3 नंबर के फैक्टोरियल कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मैंने n1 डिक्लेयर किया, फिर मैंने n2 डिक्लेयर किया और n3। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे 3 अलग अलग नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लॉजिक अप्लाई करना होता है, तो वो भी अप्लाई कर लेते हैं। फॉर i=1, i<= n, i++, ठीक है, और हम लिखते हैं f=f(i), और f वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, एंड उसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं कि ये जो f की वैल्यू है वो अपना फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ लूप मैंने चलाया n1 तक। तो फॉर एग्जांपल n1 में है 4, n2 में है 5 और n3 में है 6। तो एक बार मुझे 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, एक बार 5 का और एक बार 6 का। तो ये जो लूप मैंने इंप्लीमेंट किया, ये लूप और जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है वो n1 के लिए है। इट मींस 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे 5 का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे कि इसमें क्या दिक्कत है, लूप कॉपी करो, पेस्ट कर दो। ठीक है, तो लूप को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अननेसेसरी जो ये इंस्ट्रक्शन है हमने उनको 2 बार लिखा। ठीक है, तो आप कहोगे कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेस्टेड लूप चला दो। ठीक है, बट अगर आपको सारे फैक्टोरियल एक ही जगह पर कैलकुलेट करना है तब तो नेस्टेड लूप चल सकता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं,
जैसे मैंने यहाँ कमेंट करके लिख दिया स्टेटमेंट्स, और टोटल स्टेटमेंट्स है 20 लाइन यहाँ लिखी हुई है, फिर इस लाइन के बाद फिर से 20 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। मतलब आपको अलग अलग लोकेशन पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो नेस्टेड लूप भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो एक ही तरीका है कि आपको ये लॉजिक कॉपी करना पड़ेगा और जहां फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो इट मींस हम नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज कर रहे हैं, कोड को हम रीयूज नहीं कर पा रहे, हम उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोड एक ही बार लिखें बट उसको यूज बार बार कर पाए? तो मैं बोलूंगा यस, एंड दैट इज वी कैन डू विद हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। टू इम्प्लीमेंट फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, सो सी बेसिकली फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करता है, तो उस वजह से हमें फंक्शन बनाने जरूरी है। देन रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि फंक्शन का लॉजिक, फंक्शन के थ्रू लॉजिक एक ही बार इम्प्लीमेंट करना होता है और हम उसको बार बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो दो बेनिफिट्स हैं, ये जब मैं आपको एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा तब समझ में आएगा कि डीबगिंग कैसे इजी और फास्ट होती है और कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन कैसे फास्ट होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे। पहले अब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन बनता कैसे है। ठीक है, ताकि मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल बताया था ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अपन इसी को मॉडिफाई करेंगे कि 20-20 स्टेटमेंट्स के गैप के बाद अगर आपको अलग अलग लोकेशन पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो लूप एक ही बार लिखना पड़ेगा बट वो रन एक से ज्यादा बार हो जाएगा। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको इन तीन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन, फिर कॉलिंग एंड डेफिनेशन। तो पहले डिक्लेरेशन बना लेते हैं, फैक्टोरियल की ही बात कर लेते हैं कि हमें पहले रिटर्न टाइप लिखना है, फिर फंक्शन का नेम और फिर आर्ग्यूमेंट टाइप। तो अब मुझे अगर एक फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए आपको मेन के ऊपर उसका डिक्लेरेशन लिखना होता है इस तरीके से। तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है कि फंक्शन प्रोसेस करने के बाद एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, तो वो किस टाइप की होगी। देन फंक्शन का नाम क्या होगा और फंक्शन कितने पैरामीटर्स एज इनपुट रिसीव करेगा फॉर कैलकुलेशन। तो अभी रिटर्न भी एक इंटीजर करेगा और रिसीव भी एक इंटीजर करेगा। अगर ज्यादा होते तो आप इस तरीके से लिख सकते। ठीक है, टाइप भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इंट ही यूज करें, आप अलग अलग टाइप की कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हैं, बट वो आपको डिक्लेयर करते टाइम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि आप फैक्ट जो है उसको एक फंक्शन की तरह यूज करने वाले हैं। इट मींस फैक्ट नाम का कोई वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ एक फंक्शन होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉलिंग। तो जहां भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वहां पे आप उसको फंक्शन को कॉल करा सकते हो। तो कॉलिंग के लिए क्या करोगे, वेरिएबल का नाम, जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देन जिस फंक्शन को कॉल करना है वो, और जो आर्ग्यूमेंट पास करना है वो। तब मैं ये सारे लूप हटा देता हूं। ठीक है, अब मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है n वन का फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ कुछ वेरिएबल्स, सॉरी f को ही डिक्लेयर करते हैं, f इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n वन। ठीक है, यहाँ पे f प्रिंट हो जाएगा। फिर मान लो आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर से आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप फिर से कॉल करो, अभी यहाँ पास कर दो n टू, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, n टू का रिजल्ट f में आ जाएगा और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर से 20 स्टेटमेंट है और आपको एक और बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपने क्या पास कर दिया, n3। तो आपने देखा कि मैंने कहीं भी लूप नहीं लिखा है अभी तक, मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फंक्शन कॉल, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो मैंने ये यहां पर भी किया है, मैंने ये यहां पर भी किया है और यहां भी, तीन बार मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो मैंने एक फंक्शन को कितनी बार कॉल करवा दिया, तीन बार उसको रीयूज किया। तो आप बोलोगे कि लूप तो कहीं लिखा ही नहीं, लूप भी तो लिखो, तो वो भी लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास थर्ड पार्ट है, दैट इज डेफिनेशन। तो अब डेफिनेशन में प्रॉपर स्टेटमेंट्स आएंगे जो कि आपकी कैलकुलेशंस होगी। तो उसमें आपको रिटर्न टाइप भी लिखना है, फंक्शन का नेम भी लिखना है और आर्ग्यूमेंट्स विद देयर टाइप। तो अब वो कैसे लिखेंगे, तब उसके लिए लिखोगे इंट फैक्ट इंट एन। तो अब देखो ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है, कॉलिंग से कंट्रोल जाएगा सीधा डेफिनेशन पर, जो n1 के अंदर वैल्यू है वो n को मिल जाएगी। इट मींस n और n1 सेम है, जो वैल्यू n1 में थी वो n को मिली और n के बेसिस पर अब आप यहाँ लूप चला सकते हो। आप लिखोगे i इक्वल्स टू वन, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस,
और यहाँ पर आप लिख दीजिए एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आप लिखोगे रिटर्न एफ। तो ये है फंक्शन का डेफिनेशन, और इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये पूरा कोड हमने खुद लिखा है, इस पूरे फैक्ट फंक्शन का डेफिनेशन हमने खुद से लिखा है, तो इसमें जो भी टास्क परफॉर्म कराना है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि लूप एक ही बार इंप्लीमेंट हुआ, और ये जो फंक्शन डेफिनेशन है उसको हमने अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पे कॉल किया। तो जब ये कॉलिंग स्टेटमेंट चलेगा तो एन वन की वैल्यू एन को मिल जाएगी, ठीक है, ये कैलकुलेशन होगा, और रिटर्न एफ से वो वैल्यू वापस जो ऊपर एफ लिखा हुआ है इसको मिल जाएगी। देन एन टू, जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये स्टेटमेंट कॉल होगा, तो एन टू अपनी वैल्यू किसको दे देगा, एन वेरिएबल को, फिर उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और जो एफ वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस एफ को मिल जाएगी। देन थर्ड टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, इस बार एन थ्री अपनी वैल्यू एन को प्रोवाइड करेगा, कैलकुलेशन होगी और एफ जो वैल्यू है वो किसको रिटर्न करा देगा, एफ वेरिएबल को, और वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉलिंग से इनपुट फंक्शन के पास जाता है, फंक्शन प्रोसेस करके रिजल्ट वापस जहां पे वो फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पहुंचा देगा। तो n3, n1, n2 ये सब है इनपुट जो किसको मिल रहे हैं, n वेरिएबल को, और f के थ्रू हम आउटपुट रिटर्न करा रहे हैं जो हर बार f वेरिएबल को मिल रहा है। इसका नाम अलग भी हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि वो वेरिएबल आप रीयूज कर सकते हैं तो वो भी पॉसिबल। ठीक है, तो अब 4, 5, 6 तीनों का फैक्टोरियल आपके सामने कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को सेव किया, और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि तीनों के फैक्टोरियल आपके सामने होंगे, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120 एंड 6 का फैक्टोरियल 720। ठीक है, तो हमने लूप एक ही बार लिखा बट उसको हमने अलग अलग लोकेशन पर कॉल करा दिया। तो अब वापस चलते हैं नीडो फंक्शन। तो आपको रीयूजेबिलिटी समझ में आ गई होगी अब और अच्छे से, कि कोड एक ही बार लिखना है, बस हमें उसको जहां भी यूज करना है वहां कॉल करना पड़ेगा। डीबगिंग बिकम्स इजी। तो आप देखो, अगर कोई भी एरर आई, मान लो फैक्टोरियल फंक्शन में कोई एरर आई, तो आपको सिर्फ इतने ही ब्लॉक को टेस्ट करना है, आपको ऊपर वाले ब्लॉक को टेस्ट करने की जरूरत नहीं। एंड कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन बिकम्स फास्ट। तो वो फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स रिड्यूस हो गई, कम कोड लिखना पड़ेगा तो कंपाइलेशन टाइम कम लगेगा, कंपाइलेशन टाइम कम लगेगा तो आपका प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन मेन स्लाइड पर चलते हैं, तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया। आज तक आप प्री डिफाइंड फंक्शन बनाते हुए आ रहे थे, अब आप यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट बता दिया आपको एग्जांपल के थ्रू, पार्ट्स बता दिए, उनका सिंटेक्स भी आपको दिखा दिया। तो ये जो पीपीटी मैंने आपको बताई थी स्लाइड, ये तीनों सिंटेक्स है, ठीक है, इनकी हेल्प से हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था। तो मैंने आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बताया, अब हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपको और अच्छे से फंक्शन का यूज समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है दो नंबर के लिए। तो आप कहेंगे कि इतने सारे ऑपरेशन हो गए तो क्या सबको एक ही फंक्शन में करें या सबके लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं? तो मैं बोलूंगा कि सबके लिए आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हो। हमें ऑपरेशन दो नंबर पे अप्लाई करना है, इसलिए हर बार फंक्शन दो नंबर एज इनपुट लेगा और फिर वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको जो भी रिजल्ट है वो प्रोवाइड करेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा ये प्रोग्राम। तो ये सब कुछ इरेज कर देते हैं। तो अब सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो आपको लिखना है int sum int comma int, ये पहला फंक्शन डिक्लेयर हुआ। देन दूसरा फंक्शन, तो जितने फंक्शन बनाने हैं उतनी ही बार आप उसको डिक्लेयर करेंगे। तो हमें 5 फंक्शन बनाने हैं तो मुझे 5 डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे। हर फंक्शन में 2 नंबर एज इनपुट रिसीव होंगे, इसलिए मैं इंट कॉमा इंट लिख रहा हूँ। अगर आपको फ्लोट पास करना है तो फ्लोट कॉमा फ्लोट, और ये है रिटर्न टाइप की कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो हम रिटर्न करवा दें। ठीक है, नाम फंक्शन का कुछ भी हो सकता है बट यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करोगे। उसके बाद मेन फंक्शन, अब मेन में हमने एन वन एन टू दो वेरिएबल बनाए और एक वेरिएबल बना दिया res जिसमें रिजल्ट आ जाएगा। एंड प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स को अपन स्कैन करा लेते हैं यूजर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फंक्शंस को कॉल कराना है, और कॉल करने के बाद जो रिजल्ट वो रिटर्न करेगा उसको प्रिंट करा देंगे।
फिर मेन फंक्शन फिनिश होगा और फिर पांचों फंक्शन का डेफिनेशन, ताकि जो लॉजिक है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहले रिजल्ट इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में लिखोगे एन वन कॉमा एन टू। तो अब यहाँ एन वन एन टू इनपुट होंगे सम फंक्शन के लिए, और जो रिजल्ट है वो किस में आ जाएगा, आर ई एस वेरिएबल में। तो अब आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू परसेंट डी आर ई एस। इसको कॉपी करो, अलग अलग फंक्शन के लिए इसको पेस्ट करते जाओ। तो अब ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहां प्रिंट करेंगे सब्ट्रैक्शन, ये दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, फिर से पेस्ट किया, तो अभी ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहां प्रिंट करा देंगे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। फिर फोर्थ फंक्शन हमें कॉल करना है डिवीजन, तो आपको डिवीजन कॉल कराना है, एंड यहां पे आप प्रिंट करा दीजिए डिवीजन। एंड फिफ्थ है मॉड्यूलस, तो मॉड, तो ये सारे फंक्शन हमने कॉल किए, ठीक है। पांच फंक्शन थे तो पांच बार कॉल किया, तो पिछले एग्जांपल में एक ही फंक्शन को दो बार कॉल कराया था, इसमें पांच फंक्शन है तो पांच बार कॉल कराया। अब जरूरी नहीं है कि पांचों को एक ही बार ही कॉल कराना है, अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार कॉल कराना है तो वो भी पॉसिबल है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये है कॉल ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये जहां भी मैं कमेंट मेंशन कर रहा हूं ये फंक्शन की कॉलिंग को डिनोट कर रहा है, और ये मेन फंक्शन क्लोज। अब मुझे डेफिनेशन लिखना है, तो अब मुझे ये लिखना होगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो दो चीजें लिख सकते हो, एक तो ये कि एक वेरिएबल बनाओ, उसमें इनका रिजल्ट स्टोर करो और उसको रिटर्न करा दो। अब आप कहोगे कि यहाँ ए बी लिखा हुआ है, ऊपर से एन वन एन टू पास हो रहे हैं, तो नाम डिफरेंट हो सकता है। जो ऊपर से एन वन एन टू पास होंगे, जैसे अगर हम सम की बात करें तो सम एन वन एन टू पास करेगा, वो कौन रिसीव कर लेगा, ए बी। ए बी उनको ऐड करके किस में स्टोर कर रहा है, सी वेरिएबल में, तो रिटर्न कौन हुआ, सी। तो सी अपनी वैल्यू किसको पहुंचा देगा, आर ई एस वेरिएबल। तो मेन फंक्शन में वेरिएबल के नाम कुछ और हो सकते हैं, और नीचे जो डेफिनेशन आपने लिखा है वहां पर वेरिएबल्स के नाम कुछ और हो सकते हैं। और रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू ट्रांसफर करता है। तो आपको ध्यान होगा कि मेन भी एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो अब आपको रियलाइज हुआ होगा ये वीडियो देखने के बाद कि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन कैसे बना सकते हैं। अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए थे सब कुछ मेन के अंदर किया था, बट ये पहला ऐसा वीडियो है जिसके अंदर आप जो प्रोग्राम्स हैं वो मेन के अलावा और दूसरे जो फंक्शंस हैं उसके अंदर भी लॉजिक देख पा रहे हैं। अब हमें सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसी को कॉपी करो, पेस्ट कर दिया, तो ये सेकंड फंक्शन बना सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली क्या लिख दो, रिटर्न ए माइनस बी। तो हम कैलकुलेशन का रिजल्ट जरूरी नहीं है कि किसी वेरिएबल में स्टोर करें देन उसको रिटर्न करें, आप डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट को कैलकुलेशन के साथ यूज कर सकते हो, तो इस कैलकुलेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये अप्रोच सही लगता है तो इसे यूज करो, अगर आप ये अप्रोच यूज करना चाहते हैं तो वो भी वेल इनफ। देन अब इनको मैं एक बार में ही पेस्ट कर लेता हूँ, फिर इनको मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये हुआ मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस की जगह मल्टीप्लाई, देन ये हुआ डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड, देन ये हुआ मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि क्या इनको एक ऑर्डर में लिखना जरूरी है क्या, तो मैं बोलूंगा कि किसी भी ऑर्डर में आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि फिर एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, तो वो डिपेंड करता है कॉलिंग पर। मैंने पहले सम कॉल किया तो सम चला, सब्ट्रैक्शन कॉल किया तो सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिविजन, फिर मॉड्यूलस। तो मैं पहले एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं ऑर्डर चेंज करके बताऊंगा। तो मैंने पहला नंबर डाला 20 और मैंने दूसरा नंबर डाल दिया 10। तो देखो सम आ गया 30, सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस आ गया 10, मल्टीप्लीकेशन आ गया 200, डिवीजन आ गया 2 और मॉड आ गया 0। तो पहले सम हुआ, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूलस। अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको कट किया और मैं सम को सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो अब सब्ट्रैक्शन सबसे पहले प्रिंट होगा. देखो डेफिनेशन का ऑर्डर वही है, डेफिनेशन में सम सबसे पहले है बट कॉलिंग में सम सबसे लास्ट में आ गया. तो इससे आपको पता चलेगा कि कॉलिंग का ऑर्डर मैटर करता है या डेफिनेशन का. तो मैंने फिर से 20 और 10 इनपुट किया, तो देखो सम पहले आया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मॉड्यूलस और फिर सम. तो इट मींस जो एडिशन था वो लास्ट में प्रिंट हुआ. इट मींस कंक्लूजन क्या निकला कि कॉलिंग का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कि जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया वो वहीं पर एग्जीक्यूट होगा, बजाय आपने उसको डिफाइन कहीं पर भी किया. तो इस तरीके से इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को एक से ज्यादा बार कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा फंक्शन बनाने पड़े जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो वो कैसे बना. और ये डिक्लेरेशन होता है, देन कॉलिंग स्टेटमेंट ये होता है जो मेन के अंदर लिखते हैं, और मेन क्लोज होने के बाद जो कोड हम लिखते हैं वो होता है डेफिनेशन. तो उसका सिंटेक्स भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है रिटर्न टाइप, नेम ऑफ फंक्शन, आर्ग्यूमेंट टाइप, तो डेटा टाइप ही यूज करना है. देन कॉलिंग में वेरिएबल्स यूज करते हैं, और डेफिनेशन में डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों, और जो भी लॉजिक है वो. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन की है. अब ये हमने एक बेस क्रिएट कर लिया कि फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं. अब आपको एक्सपर्ट बनना है तो अगला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हम और बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइक नंबर रिवर्स कैसे करें, पैलिंड्रोम चेकिंग, फिर रिटर्न टाइप में हम इंट, फ्लोट, कैर, इन सबको कैसे यूज करें, वॉइड को कैसे यूज करें, फिर फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करें, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में पूछा जाता है. तो ये देखने के बाद आपको फंक्शन और अच्छे समझ में आएगा. एंड जब लेक्चर नंबर 30 आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर को फंक्शन से कैसे यूज करें. तो लेक्चर नंबर 28 देखने के बाद 29 और 30 जरूर से देखिएगा, ताकि आप फंक्शन में एक्सपर्ट बन पाए. एंड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो. एंड इस पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सारे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं. जिन्होंने डायरेक्टली ये वीडियो देखा है तो वो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आप उनको भी प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाए. एंड आई होप कि आपको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ या जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.